अच्छा जी, ये देखें, ये अजी अदरक का पेस्ट है, ठीक है, ये मैं डालूंगी और वहाँ से मैं सारे प्याज डाल के ना हल्के से फ्राई करूँगी। ये देखें, ये अदरक गया और ये देखें जनाब, ये जी इसमें गार्लिक चला गया और प्याज भी डाल ली। और मम्मी कहती होती हैं कि प्याज को सुलाना है, सुलाना मतलब कि थोड़ा सा जब मतलब अपनी टर्जिडिटी छोड़ देगा ना शेप ओरिजिनल से और बिल्कुल वाटर उसके अंदर से निकल जाएगा और बिल्कुल फ्लैट सा हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपने भी इसको सुलाना है, ठीक है, जब ये सो जाएगा फिर टमाटर डाल के, नमक मिर्च डाल के, करेले लगा डाल के ना दम लगा देंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पर मैंने प्याज ने हल्का फ्राई कर लिया, हल्का उसके रंग चेंज किया। अब ये सारे टमाटर और ये सारे मसाले, ठीक है, ये नमक है, मिर्च है, नमक बहुत थोड़ा क्योंकि करेलों में हम ऑलरेडी नमक लगाते हैं, सूखा धनिया, अजवाइन, हल्दी, ये सारे मसाले डाल के ना अच्छी तरह भून लेते हैं। और ये देखें जनाब, ये सारा कुछ हो गया मिक्स।